एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तीन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। सबसे पहला एक अच्छा जीवन साथी, दूसरा एक अच्छी नौकरी, इट मीन्स कि अच्छा इनकम ऑफ सोर्स, और तीसरा अच्छी प्रॉपर्टी में निवेश करना। लेकिन साथियों, आज के समय में सबसे कठिन काम है प्रॉपर्टी में, अच्छी प्रॉपर्टी में निवेश करना। प्रॉपर्टी में निवेश करना कोई चिड़िया उड़ जैसा, खेल जैसा आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे जीवन काल की जो एक इनकम होती है वो हम प्रॉपर्टी में लगाते हैं। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम प्रोपटेक प्राइवेट लिमिटेड पर, और मैं सोनिया चौधरी हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। वैसे तो हम लगातार वीडियो के माध्यम से साथियों समझाते हैं कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें सबसे पहले देख लें किस तरीके की प्रॉपर्टी है, लीगल है, सेफ है, क्योंकि कल को अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मेरा जो पैसा है वो एकदम सेफ रहे। तो इसीलिए अथॉरिटी की चीज़ें लें, अच्छी जगह अच्छे समय पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और अच्छा एप्रिसिएशन उसमें पाएं। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं स्क्रीन पर कि आज की हमारी वीडियो किसके ऊपर है। आज होगी बैठक फिल्म सिटी को लेके। वैसे तो लगातार साथियों न्यूज़ आ रही हैं फिल्म सिटी को लेके, लेकिन कब होगा इसका इंतज़ार ख़त्म, इसका सबको ही एक तरीके से वेट है, सबको ही इंतज़ार है कि कब एक अच्छी न्यूज़ फिल्म सिटी की हमारे सामने आएगी। तो आज लखनऊ में बैठक है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ। देखते हैं उस बैठक में क्या हल निकल के आता है, क्या समाधान निकल के आता है फिल्म सिटी को लेकर। वहीं साथियों, यमुना प्राधिकरण का जितना बड़ा रोल रहा है एक यमुना शहर को बसाने में, उससे कहीं ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल रहा है यमुना प्राधिकरण को डेवलप करने में। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हम एक बार देख लेते हैं, ओलंपिक पार्क, डिज्नीलैंड, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, अप्रैल पार्क, पतंजलि फूड हर्बल पार्क, वीवो कंपनी, इंडस्ट्रियल एरिया, ना जाने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट धरातल पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कहाँ 2 से 4 साल पहले लोगों का कहना कि यहाँ पर जंगल है, वहीं आज 2 साल बाद इतनी तरक्की, इतना डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि हर कोई हैरान है। उसी के बेस पर आज रेट भी यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो साथियों, बात कर लेते हैं जैसे हम फिल्म सिटी की। हमारे यहाँ पर जो फिल्म सिटी बनने जा रही है वो सेक्टर 21 में। अभी तक किसी भी कंपनी ने अपनी निविदा नहीं डाली है, लेकिन आज की बैठक में यानी 5 अप्रैल की बैठक में कुछ ना कुछ हल या समाधान निकल कर ज़रूर आएगा। वैसे तो हमने बताया है प्रीवियस वीडियो में भी कि रजनीकांत जी जो फिल्म निर्माता हैं, केसी बुकाडिया, 250 एकड़ भूमि उन्होंने मांगी है, राजपाल यादव जी ने 100 एकड़ भूमि मांगी है, और रजनीकांत जी ने भी अपनी इच्छा जताई है। वैसे तो बड़े बड़े कलाकार निकल कर आ रहे हैं प्लॉट की मांग करने और ज़मीन की मांग करने सेक्टर 21 में, पर देखते हैं कि किस तरीके से इनका आवंटन होगा, कैसे ये प्लॉट अलॉट किए जाएंगे, एक अलग स्कीम निकाल के इन्हें इस तरीके से भूमि दी जाएगी या उनका क्या समाधान है, तो वो आज की बैठक में ही क्लियर हो पाएगा। बाकी आज हम बात कर लेते हैं कि फिल्म सिटी एक्चुअली में कहाँ कहाँ पर अभी स्थित है, कहाँ कहाँ पर अभी बनी हुई है। तो रामोजी फिल्म सिटी, साथियों रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में है और सबसे बड़ी फिल्म सिटी में से एक उसे माना जाता है। बहुत बड़े एरिया में वो फिल्म सिटी बनी हुई है, काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग भी वहाँ पर हुई है, चेन्नई एक्सप्रेस है, बाकी सीरियल्स की भी शूटिंग वहाँ पर लगातार होती रहती है। वहीं मुंबई फिल्म सिटी एक फेमस फिल्म सिटी है, सभी लोग जानते हैं, मुंबई को बहुत अच्छे से जानते हैं। वहीं इनोवेटिव फिल्म सिटी बेंगलुरु में है, बेंगलोर में है इनोवेटिव फिल्म सिटी। MGR फिल्म सिटी चेन्नई में है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह फिल्म सिटी, और ये हमारे यूपी के लिए एक सौगात से कम नहीं है जो यूपी यमुना प्राधिकरण में सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनने जा रही है। भले ही थोड़ा बहुत समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये धरातल पर आएगी, जब इसके माध्यम से लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, आएंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं और करेंगे, तो उसका एक अलग नज़ारा होगा। वहीं साथियों बात कर लेते हैं डिज्नीलैंड। साथियों जो यमुना प्राधिकरण में डिज्नीलैंड बनने जा रहा है वो 13वां सबसे बड़ा डिज्नीलैंड अब यमुना प्राधिकरण में बसने जा रहा है। ये बहुत बड़ी सौगात से कम नहीं है। हम लगातार कहते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये हमारे लिए किसी भी सौगात से कम नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि डिज्नीलैंड कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड बना हुआ है, हांगकांग में, संघाई में, पेरिस में भी, और अब हमें ये कहने में बड़ा हर्ष होता है कि अब उत्तर प्रदेश यानी यमुना में भी डिज्नीलैंड बनने जा रहा है। थोड़ा बहुत समय का है
प्रभाव की, थोड़ा चीज़ों को समय लग रहा है आने में, चीज़ों को धरातल पे आने में, ज़मीन पे आने में, पर जब सारी चीज़ें निखर के आएंगी तो एक अलग ही रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा सारे ही प्रोजेक्ट का। वहीं साथियों ओलंपिक पार्क भी, ओलंपिक पार्क भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि यमुना प्राधिकरण में कितने ज़मीन पर बनने जा रहा है, 6000 हेक्टेयर ज़मीन में बनेगा ईडा में ओलंपिक पार्क। जो भी वैश्विक प्रतियोगिताएं हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट खेल होते हैं, उसमें इसको लाया जाएगा, ओलंपिक पार्क में वो स्थापित किए जाएंगे सारे खेल। एक खेल मैदान भी बनेगा पूरी तरीके से, खेल गांव जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए 1000 हेक्टेयर अलग ज़मीन और 5000 हेक्टेयर की ज़मीन में सारी जो प्रतियोगिताएं हैं खेल से रिलेटेड वो सारी की जाएंगी। तो साथियों ये अपने आप में ही इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, फिल्म सिटी है, टॉय पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, डिज्नीलैंड है, ओलंपिक पार्क है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी। तो जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात आती हैं तो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ एक ही नाम हमारे जहन में घूमता है कि इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, यमुना में, यमुना प्राधिकरण में। सबसे बड़ी चीज़ तो कि प्रॉपर्टी आपकी सेफ है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है। आपने आज प्रॉपर्टी ली और आपके नाम पर वो सीधे के सीधे ट्रांसफर हो गई। दूसरा साथियों आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी पैसा लगा दिया पता नहीं उसका क्या एप्रिसिएशन मिले, और एप्रिसिएशन यहाँ आप लगातार देख भी रहे हो। अब से 1-1.5 साल में जो रेट में उछाल आया है और अब जो आने वाला है वो एक अलग ही उसकी लहर है, एक अलग ही अंदाज उसका हमारे सामने आ रहा है। बाकी हम लगातार साथियों वीडियो के माध्यम से आपको यही बता रहे हैं कि अपना पैसा अच्छी जगह और सबसे बड़ी चीज़ सही समय पर लगाएं। हर एक जगह समय की भूमिका बहुत होती है साथियों, समय जब एक बार हाथ से निकल जाता है हम उसे चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है जीवन में वो समय की और एक डिसीज़न की। तो सही समय पे सही डिसीज़न लेकर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्मिंग लैंड, एक्विजिशन लैंड, किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, हम हाजिर हैं आपके हर सवाल के जवाब के लिए। बाकी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। हमारा जो ऑफिस है वो Alpha 1 Tower MSX 2 5th फ्लोर नियर परी चौक कमर्शियल बेल्ट में स्थित है। आप ऑफिस आकर भी विजिट कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार।